शपथ, ये लोग उतने दूर से पीछे आए और अभी एक जगह में एड्रेस पूछने उतरा तो फिर पता चले पीछे ही थे। बिग बॉस 16 के बाद हर कंटेस्टेंट की जिंदगी जो है वो बदल सी गई है और उसमें सबसे पहला नाम आता है शिव ठाकरे का, क्योंकि भाई शिव ठाकरे ने जिस जगह से अपनी शुरुआत की, जिस तरह से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, वो सच में काबिले तारीफ है। और आज उनका जो मुकाम बन गया है वो भी सब जानते हैं। अब ऐसे में शिव ठाकरे जो भले ही बिग बॉस 16 की ट्रॉफी ना जीते हों, लेकिन भाई फैंस का दिल जीतने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। उनके फैंस उनसे मिलने के लिए काफी ज्यादा जद्दोजहद करते हैं, लेकिन शिव ठाकरे भी कभी भी अपने फैंस का दिल नहीं तोड़ते हैं। ऐसे में शिव ठाकरे ने अपना एक वीडियो शेयर किया है इंस्टाग्राम पर। एक स्टोरी पोस्ट करते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह से कुछ फैंस उनका पीछा कर रहे थे और बिना उन्हें परेशान किए सिर्फ उनका पीछा ही किए जा रहे थे। जब शिव ठाकरे किसी काम के चलते अपनी गाड़ी से उतरे तब उनके फैंस ने उनसे मुलाकात की, जिस बात के लिए शिव ठाकरे उन पर थोड़ा सा गुस्सा भी हुए कि भाई जब आप इतने वक्त से मेरा पीछा कर रहे हो तो रोका क्यों नहीं भाई, क्योंकि वो शिव ठाकरे हैं और उन्हें पता है कि भाई किस तरह से एक इंसान को खुश किया जाता है। छोटी छोटी चीजों में फैंस को खुशी किस तरह से मिलती है शिव ठाकरे बखूबी जानते हैं, और इसी वजह से शिव ठाकरे का कहना है कि भाई जब आप इतना पीछा कर रहे थे तो आपने मुझे रोका क्यों नहीं। भाई शिव ठाकरे की यही आदत है, यही मिजाज है जो लोगों को बहुत पसंद आता है। इतने सिंपल इंसान है वो कि भाई हर किसी का दिल जीत ले। अब ऐसे में वीडियो काफी वायरल हो रहा है। दरअसल हाल ही में शिव ठाकरे दादा साहब फाल्के अवार्ड में पहुंचे थे, जहां तमाम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी नजर आए थे। उसी बीच शिव ठाकरे भी दिखाई दिए थे। शिव ठाकरे वहीं से वापस आ रहे थे, उसी बीच ये वाकया हुआ जब कुछ फैंस उनका पीछा कर रहे थे। दोस्तों आप भी देखिए ये वीडियो। ये लोग उतने दूर से पीछे आए और अभी एक जगह में एड्रेस पूछने उतरा तो फिर पता चले पीछे ही थे। और ब्रो हॉर्न बजाने का क्यों नहीं रोका नहीं मैं नहीं अच्छा लगा मतलब इसके सी आप जहाँ भी रुकोगे वहाँ पे मैं आऊंगी। इतना दूर पर यार कैसे आए, चलेगा कोई बात नहीं आपके लिए एनीथिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोस्तों बात करें शिव ठाकरे के वर्क फ्रंट की तो बिग बॉस 16 के बाद से उनकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में खबरें आ रही हैं कि भाई जल्द ही शिव ठाकरे को खतरों के खिलाड़ी के अलग सीजन में देखा जा सकता है। वरन खबरों में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त के साथ हमें पता चल ही जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें फिल्मी बीट। ये लोग इतने दूर से पीछे आए और अभी एक जगह में एड्रेस पूछने उतरा तो फिर पता चले पीछे ही थे। और ब्रो हॉर्न बजाने का क्यों नहीं रोका नहीं आप जहाँ भी रुकोगे वहाँ पे मैं आऊंगी। इतना दूर पर यार कैसे आए, चलेगा कोई बात नहीं आपके लिए एनीथिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।